हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे आप सब? फाइनली आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ 12th अंग्रेजी 2023 का पेपर, यानी सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न पत्र आप लोग को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अच्छी तरह से एक क्वेश्चन को आप लोग को रिपीट कर लेना, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, क्योंकि 100% आप लोग को यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका फुल सोल्यूशन आज इस क्लास में करने वाले हैं, इसलिए आप सभी को अच्छी तरह से अंत तक देखना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, अपने उन सभी फ्रेंड साथ शेयर करेंगे जिन जिनको उसकी इस वीडियो की जरूरत है, इसलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। यहां पे आपको ऑल सब्जेक्ट के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कराई जाएगी और सारे क्वेश्चन और आंसर यहां पे बिल्कुल आपको मुफ्त में मिलती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहां पे मेरा इस पीडीएफ में 1-2-3 क्वेश्चन जो वो स्किप हो चुका, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ चुका था, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, वहां से शुरू से सारा सॉल्यूशन दिया हुआ, ठीक है। देखो फर्स्ट यहाँ पे फोर नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कराया कि ही सेड वी हैव डन आवर वर्क, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट नरेशन चूज करने का है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे। सो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ही सेड दैट दे हैड डन दियर वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी सी लगाया बिल्कुल उसका सही है, बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरह से इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर क्या करा है, देखिए ध्यान से करा है कि वाइल सही क्या कहते हैं, वाइल सहीहान वाज डेजरेस इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रंग दिया वहाँ पे। सो यहाँ पे कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो यहाँ पे आपको टेंस का सही फॉर्म चूज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फाइव नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रीडिंग, ऑप्शन नंबर जी में सी दिया बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द इंस्पेक्टर वाज विजिलेंट यंग मैन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे जो है इस अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है इसका मीनिंग बताना है, सो इसका मीनिंग एक तरह का हम बता सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस को, सही वाला सेंटेंस को चूज करना, आपको कौन सा सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही होगा। देखो 7 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, मतलब इज इन न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कह रहा है कि रोहन इज अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इन दो सेंटेंस अलग अलग है, इसका सही कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। थो रोहन क्या कहते हैं, थो रोहन इज ए अनवेल ही अटेंड द ऑफिस रेगुलरली। चलिए क्वेश्चन 9 कराए कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन क्या बनाता है? तो मैन को एक परफेक्ट बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 करा है कि स्टे डैश डैश योर लिमिट्स। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, सो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, विद इन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है करेक्ट स्पेल के साथ है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रम्बल, यहाँ पे इसका सिनोनिम आपको बताना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, टू कंप्लेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कह रहा है, गिव वन वर्ड सुटेबल फॉर ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, यानी एक सही वर्ड आपको चूज करना है, यानी ऐसे व्यक्ति जो बिना इन्विटेशन के, बिना आज्ञा के, मतलब अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए इस तरह व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, याद रखेंगे 13 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रूडर। क्या हो जाएगा? इंट्रूडर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 14 कराया कि सुमिता एंड समीर डैश 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 दिया हुआ द होस्ट ऑफ द पार्टी। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सो यहाँ पे आपको वर्ब का यूज करना है, सही वर्ब, तो वियर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, ओपन द डोर प्लीज, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे जो इसका सही एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 करा कि हरी अप द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, चूज द इनडायरेक्ट नरेशन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू हरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कराए चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है सही स्पेल के साथ दिया हुआ, याद रखेंगे सी ए एस
HIER, ये जो है बिल्कुल सही स्पेल के साथ दिया हुआ है। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैशियर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का है, डोंट वरी यहाँ पे डैश दिया हुआ है, की इज इन माई पॉकेट। तो यहाँ पे इसका आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना बोलता है, और फिलहाल यहाँ पे आपको आर्टिकल चूज करना है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द डोंट वरी द की इज माई पॉकेट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, कुड यू डैश डैश या वे मी प्लीज। तो देखो यहाँ पे कह रहा है चूज द ऑप्शन, आप यहाँ पे क्या कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होगा, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेल्प, कुड यू हेल्प मी प्लीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे सही सेंटेंस का आपको चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे कौन सा सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग सही होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जगह, एंटी क्या कहते हैं देसाई रॉट ए गुड नॉवेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, ही फिल इन द ब्लैंक टू गिव यू नेसेसरी क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन। तो चूज द सुटेबल एग्जरी वर्ब, यहाँ पे सही एग्जरी वर्ब का आपको चुनाव करना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का फिलहाल राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आउट। ठीक है, ही आउट टू गिव मी गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि वी वेयर फिल इन द ब्लैंक फॉर द ट्रेन। तो यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज, फ्रेज का सही इस्तेमाल करना आप लोग को यहाँ पे। तो वी वेयर इन द इन टाइम फॉलो का क्या नहीं, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, वी वेयर इन टाइम फॉर द ट्रेन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, ही इज सिंपल डैश डैश ग्रेस डी। तो यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन की बात करें, कह रहा है चूज द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन का चुनाव करना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जगह बट, ही सिंपल बट क्रेजी, क्या क्रेजी क्रेजी क्रेडी है ना, क्या मतलब कुछ कम दिख रहा हमको, क्रेडी हो जाएगा सर, क्रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करा है, ही हैज टू बी असिस्टेड बाय मी। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। अब यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो देखो 24 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या नहीं डी होना चाहिए, आई हैव टू असिस्ट हिम। ठीक है, ही असिस्ट हिम, तो आई हैव असिस्ट हिम, आई हैव टू असिस्ट हिम, आई हैव असिस्ट हिम, नहीं आई हैव टू असिस्ट हिम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 का, क्या बोलते हो आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का है कि ही इज डैश डैश टू बींग द वर्क। आप यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबाउट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का है कि सर्च फादर आस्क, सर्च नहीं है पे, सुरेश फादर आस्क डैश डैश नोट टू ओपन द डोर फॉर क्या कहते हैं स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हिम सुरेश फादर आस्क हिम नोट टू ओपन डोर फॉर स्ट्रेंजर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 करा है कि इन द विंटर द विलेज क्या कहते हैं द क्या दिया हुआ वैली, अच्छा इन द विंटर द वैली आर डैश डैश वैलीज आर डैश डैश देन द हिल टॉप्स। तो यहाँ पे कह रहा है चूज द बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा ना, फोगी हो जाएगा क्या, इन द विंटर्स द वैलीज आर फॉगर देन द हिल टॉप्स। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का, इट्स केजी डैश डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। 28 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टू गेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 29 का कि पीयूष बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम एंड देयर फोर नोबडी गेट्स डैश डैश दिया हुआ विद हिम। चूज द बेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। 29 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा ना, अलोन। चलिए आगे बढ़ते 30 रीता गॉट वाट सी वांटेड। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ तो रीता ने वही पाया जो चाहा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिडंट सी। ठीक है, रीता गोट वाट सी वांटेड डिडंट सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए होना चाहिए क्या। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कराए कि वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ डज डज शॉर्ट, क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो फिलहाल 31 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज। ठीक है, आई 32 करा कि ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस
चार ऑप्शन दिए हुए हैं, निगेटिव सेंटेंस का चुनाव करना है, काफ़ी ईजी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ही शुड नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कराए, व्हेन विल यू हैंड फिल इन द ब्लैंक द चार्ज ऑफ द ऑफ दिस ऑफिस टू मी, यही है ना शायद। तो चलिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का सही चुनाव करना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए इन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कराए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे गलत सेंटेंस को चूज करना है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, गुड इवनिंग हैव ए सीट, चलिए सीट है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कराए, डिड सी डेजरेस हिम फॉर लाफ, अब यहाँ पे लाफ नहीं है लंच ही है, डिड सी डेजरेस हिम फॉर लंच, अब यहाँ पे कराए चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ना, इनवाइट, ठीक है, डी सी इनवाइट। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत से पता नहीं किसका क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही मिस्टेक किए हुए हैं, बहुत जगह गलत टिक मारे हुए हैं। चलिए 36 कराए कि चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, यहाँ पे सही स्पेल के साथ वर्ड आपको चूज करना है। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे CONSCIENCE, ये जो है कॉन्शियंस, ये बिल्कुल सही आंसर है। 37 कराए कि रोहिणी डाइड डैश डैश कोरला, अब यहाँ पे करा चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो देखो यहाँ पे कोलरा है यहाँ पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, ऑफ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 करा है कि ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, सही कॉम्बिनेशन चूज करना 38 नंबर क्वेश्चन का, हाँ ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट, क्या। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कह रहा है कि पीपल डैश डैश ड्राइव केयरफुली, 39 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुड हो जाएगा, ठीक है, पीपल शुड ड्राइव केयरफुली। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राम सेज आई मस्ट डू इट, चलिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह रहे हैं यहाँ पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या जाएगा, राम सेज दैट द मस्ट डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाट आर दे लाफिंग, अब यहाँ पे करा है कि सही ऑप्शन चूज करने के लिए। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। चले आगे बढ़ते 42 नंबर के ऑयल डैश 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 वन वाटर, चूज द बेस्ट ऑप्शन, 42 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोट्स, ठीक है। आगे बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन करा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, दिस इज़ एन ओरिजिनल बुक, अब यहाँ पे 43 में क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिस इज ओरिजिनल बुक। आई क्वेश्चन में 44 कराया है, फिल इन द ब्लैंक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट एंड चूज द ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 44 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ठीक है, टेल द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, टॉल द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, 44 नंबर क्वेश्चन का सी होना चाहिए, टेलिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 करा है कि ही हैज सीन डैश डैश ताजमहल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी द, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 46 करा है, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, 46 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देंगे और यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 46 का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई टी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 47 करा है, द बॉय एट ए लॉट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, अब यहाँ पे 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगह, अ लॉट वॉज ईटन बाय द बॉय, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 48 करा है, क्या करा है देखिए ध्यान से, द सिनोनिम ऑफ लर्निंग इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब सही ऑप्शन आपको चूज करना है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, जल्दी आपको बताना है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का देखो, 48 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉलेज। चलिए 49 क्वेश्चन कि वन वर्ड सुटेबल फॉर ए शुड दैट कांट बी हर्ड इज, यहाँ पे कौन सा वर्ड सही इस्तेमाल होगा, तो देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आई एन ए यू डी आई बी एल ई, ठीक है, इन डी ए क्या कहती हैं, इन आई क्या लिखा हुआ है, आई एन ए यू डी आई बी एल ई, इन आई यू डी एल की क्या लिखा हुआ, शायद यही वर्ड होगा क्या, इनविजिबल, वन वर्ड सुटेबल फॉर ए साउंड दैट कांट बी
हर्ड। अच्छा मतलब जो सुना नहीं जाता, मतलब यही होगा क्या, अनहर्ड या सुना होगा, मतलब इम्पॉसिबल यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, आप लोग बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन करा है कि ही वॉज थाउट इंग्लिश बाय मी, ही वॉज ऐसा थाउट नहीं है टॉट है यानी पढ़ा, ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय मी, चूज देखते हो आप, मतलब दिखने में कम पड़ता है इसलिए मिस्टेक हो जा रहा है मतलब पढ़ने में, तो आप लोग PDF में एक बार डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आई टॉट हिम इंग्लिश। ठीक है, देखा क्वेश्चन देख लो, द एंटोनिम ऑफ एरिस्टोक्रेट क्या ये अरिस्टोकैरल ने क्या है शायद, हाँ तो देखो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन का एरिस्टोकैरल यानी सिंपल हो जाना चाहिए ना, सिंपल होगा क्या 51 का, सिंपल नहीं होगा, डी हो जाएगा, कॉमन एयर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम ये सारे क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन जो है हम वेबसाइट पे अपडेट कर दे रहे हैं, आप लोग को सिंपली गूगल पे लिखना है बोर्ड परीक्षा BOA, 1 मिनट बता दे रहा हूँ आप लोग को, BOARD लिखना है, BOARD बोर्ड परीक्षा, PARIKSHA बोर्ड परीक्षा लिखेंगे। सर वीडियो तो समय अनुसार शुरू किया, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बहुत ही बड़ी खबर देने वाला हूँ, यानी बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट के वायरल प्रश्न को आप लोग कैसे डाउनलोड करना है। देखिए आप लोगों को लिखना है गूगल पे VVI क्वेश्चन या फिर VVI लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे जैसे VVI क्वेश्चन लिखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, VVI लिखेंगे और उसके बाद लिख देना आप लोगों को क्वेश्चन, ध्यान से देंगे VVI क्वेश्चन लिखना है और सिंपली आपके सामने जो है यहाँ पे रेड कलर का लोगो दिखेगा, यानी आपको पिंक कलर का जहाँ पे लिखा है www.vvi.question.in, देखिए ध्यान से .in होना चाहिए, और यहाँ पे आप लोग VVI क्वेश्चन गेट फ्री मोडेबल प्रीवियस नोट्स एंड स्टडी ये सारी चीज दिया हुआ है, फिलहाल आप लोगों को इसमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो वेबसाइट खुलेगी, और वेबसाइट खुलने के वेट में आप लोगों को थोड़ा, अगर नेट स्लो है तो थोड़ा जल्दी नहीं खुलेगा, थोड़ा वेट लेट लगेगा, लेकिन आप लोगों को विनती करना है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सिंपली आप लोगों को जो है एक बार यहाँ पे नीचे में जो भी सेव कर रहा है आप लोग एक बार इसमें क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग को बैक आ जाना। ठीक है, ये जरूर करना आप लोगों, और जरूर करने के बाद नीचे में आप लोग को आना और यहाँ पे मिलेगा आपको BSB वायरल क्वेश्चन 2022 ऑल सब्जेक्ट डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल करना है, नीचे देखना आप लोग को, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आप लोग को 1 से 14 फरवरी तक के सभी प्रश्न वायरल, आप नीचे में आना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के नाम दिए रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नीचे में देखिए पे बिहार बोर्ड हिंदी वायरल पेपर ऑल सेट है, इंग्लिश का है, एंड यहाँ पे आपको उर्दू का मिल जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री का मिल जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी का मिल जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं आपको पॉलिटिकल साइंस इस तरह, साइकोलॉजी का, उसके बाद होम साइंस का, ऑल सब्जेक्ट का दिया हुआ है, और आगे में यहाँ पे क्लिक करके बटन दिया हुआ है, सिंपली आप लोगों को जो सब्जेक्ट चाहिए उसका पूरा सेट बाय सेट वायरल दिया हुआ है, 10-10 करके आप लोग को क्लिक करना और उसको सिंपली आप लोग को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यही छोटी सी वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी जो है हेल्पफुल मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यहाँ पे आइए, और फिलहाल आप लोग को यह वीडियो कंटिन्यू रखना है और यहाँ करके आप लोग सर्च करके सारी तैयारी को आप लोग बिल्कुल फ्री में करना है।